अरे थोड़ा देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए, 6 की ही बात है, स्पष्ट हो जाएगी। दोनों जगह महागठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। चिराग पासवान भी गए, दोनों जगहों पर प्रचार किया, क्या लग रहा है चिराग फैक्टर काम करेगा? कहीं कोई फैक्टर अब काम नहीं करेगा, एकदम सीधे लोगों मन बना लिए थे महागठबंधन के पक्ष में वोट करने का, और सब लोगों ने वोट किया है। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल जनता दल यूनाइटेड को लेकर कह दिया था बड़ी बात। उन्होंने कह दिया था कि जल्द ही जनता दल यूनाइटेड का विलय होगा, और अगर विलय नहीं होता है तो जनता दल यूनाइटेड विलीन हो जाएगी, स्टाम्प पेपर पर आप हमसे लिखवा लो। उस पर आज हमने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से जब सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे सुने। अरे थोड़ा देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए, 6 की ही बात है, स्पष्ट हो जाएगी। दोनों जगह महागठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। आप से मुकामा में नहीं दिखे, भाजपा की ओर से कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा, ये तो उनसे पूछे ना, भाजपा के लोगों से पूछेगा ना कौन कहाँ देख रहे हैं। हमारे महागठबंधन सब लोग एक हैं, एक सूत्र में है। राष्ट्रीय जनता पार्टी कह रही है कि सर दोनों क्या सीटों पे जीत हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है दोनों सीटों। उस पर तो मैंने कह दिया कि महागठबंधन के जो है ना इसका शुरुआत हो रही है, उससे पता चल जाएगा बीजेपी के लोगों को। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान भी गए, दोनों जगहों पर प्रचार किया, क्या लग रहा है चिराग फैक्टर काम करेगा? कहीं कोई फैक्टर अब काम नहीं करेगा, एकदम सीधे लोगों मन बना लिए थे महागठबंधन के पक्ष में वोट करने का, और सब लोगों ने वोट किया है, अब तो रिजल्ट मिलना ही है। छह को इंतजार कर लीजिए। ये बातें लगातार भाजपा के जो बिहार प्रदेश के बड़े नेता चेहरा है सुशील मोदी, कल शाम में भी उन्होंने एक कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा ये दावा है कि अगर जनता दल यू का राजद में विलय नहीं हुआ तो वो विलीन हो गए। देखिए लगातार जब से आप देख रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी जी उस समय से हम लोग पर कोट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है दो बड़े दल जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक साथ, दो समाजवादी विचारधारा के दो बड़े दल एक साथ हुए हैं, और तमाम जो विपक्षी दल हैं जिनका समर्थन मिला है, उस समय से उनका होश उड़ गया है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है, उनकी जो ज़मीन है वो खिसक गई है, तो अग्रणी बयान दे रहे हैं। और रही बात हमारी पार्टी की तो और हमारे नेता की, तो हमारे नेता सर्वमान्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनमें सभी जो हमारे जो भी महागठबंधन घटक दल के जो भी दल हैं सभी लोग का उनमें आस्था है, और सब पूरे मजबूती के साथ संगठन माने ये जो हमारा महागठबंधन है वो चल रही है और सरकार चल रही है। आखिर ये बात आई कहां से? आखिर बीजेपी विलय की बात कहां से? विलय की बात कहां से? दावा क्यों कर रहे हैं? लिख कर दे, मैंने स्टाम्प पेपर पर हमने तो कहा ना कि उनकी जमीन घिसक जाने के कारण जो है ये सब अग्रणी बयान दे रहे हैं। ये सब जो बयान हैं आप देख रहे हैं, पहले की आप देख रहे हैं कि हम लोग जब उनके साथ थे उस समय जो था, पहले के जो बीजेपी थी वो बीजेपी अटल जी के और वाजपेयी जी की बीजेपी थी, आज का जो बीजेपी है वो मोदी जी और इनका शाह जी का बीजेपी है। तो इसमें तो मैंने ये जो बीजेपी है ये तो समझ लीजिए कि जाल मैंने बुन रहा है, और हम समझते हैं कि तमाम जो बिहार ही नहीं देश के तमाम लोग जो हैं इस बीजेपी को चेहरा को जान चुके हैं, सब लोग अवगत हो चुके हैं किस तरह से ये आरएसएस के एजेंडे पर ही बीजेपी काम कर रहे हैं, कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कैसे संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको नष्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग अवगत हैं, जनता हर जनता अवगत है, उनके जो कुटिल चाल है बीजेपी का सबसे अवगत हो गए जनता, अब बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। अरे बिले यहाँ हमने कहा कि हमारे महागठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और जिनके नेतृत्व में महागठबंधन पूरे मजबूती से चल रही है। 2024 के पहले कोई विलय नहीं होगा। अरे सब लोग हमारे जो हमारे नेता जो हैं वो सभी विपक्षी को एक साथ विपक्ष को एक साथ करने में लगे हुए हैं, उन्होंने वीरा उठाया है, तमाम विपक्ष को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी जो हमारे नेता
कर रहे हैं और भाजपा को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उमेश कुशवाहा का कहना है कि जो लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं उनको मैं जवाब दे दूं कि जनता दल यूनाइटेड काफ़ी मजबूती से अपने संगठन को और मजबूत कर रही है, वहीं जो विलय की बात कर रहे हैं महागठबंधन एकजुट है और कोई विलय नहीं होने जा रहा है। वहीं बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये सभी चीज़ 6 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन जीत रही है और कौन हार रहा है और किसका जल्द विलय होने वाला है। तो एक तरफ जहां वो कह रहे हैं कि बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है, कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात कही थी और आज जब उमेश कुशवाहा ने ये जवाब दिया है कि जनता दल यूनाइटेड का विलय और विलीन नहीं होने जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड मजबूती से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी और जो लोग ये बात कह रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना मिलेगा, वहीं जो शुरुआत है हार की वो बिहार के 2 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं मोकामा और गोपालगंज उससे होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।